आर्या बारिश शुरू हो गई और आर्या बारिश में ना ये देखे फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। अच्छा मैं समझी शायद मेरी मेट ने पाइप लगाई है और वो पार्किंग जो है ना धो रही है और आर्या साहब एंजॉय कर रही हैं, तो मैं गुस्से में डांटने के लिए उसे गई कि बंद करो मैं वीडियो बना रही हूँ। मगर जब जैसे ही मैंने गेट खोला है और इतनी तेज़ बारिश, तो फिर मैं भी इंजॉय करने लगी। खैर मैं आज आपसे अपने घर का होम टूर शेयर कर रही हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैंने सोचा था कि ये मैं उमर के साथ मिलके हम अपने घर का होम टूर देंगे। जैसे मैं लोगों की वीडियोस देखा करती थी, उनके होम टूर्स देखा करती थी, कई बार सोचा वीडियो बनाऊँ होम टूर की, मगर आप यकीन जाने कि जो लोग हैं देखने वाले, जैसे हम भी दूसरों के घर देखते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुशी होती है, अच्छे लगते, प्यारे लगते, अच्छे खूबसूरत घर। मगर कुछ लोगों की नज़रें थी मेरे घर पर जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और आप सब जानते हैं कि नज़र बरहक है और ये जो हासिद की नज़र होती है ना, ये आपके घर की खुशियों को खा जाती है। मगर ऐसे लोग ख़ुद भी कभी खुश नहीं रह सकते और अपनी दुनिया और अपनी आखरत दोनों ख़राब करते हैं, और कुछ लोगों की दुनिया और आखरत ख़राब हो चुकी है। उमर इस दुनिया से चले गए और मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छी जगह पर हैं, और ये भी यकीन है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँगी तो उनके साथ इंशाल्लाह ताला उनके साथ जन्नत में रहूँगी। और मगर जो दुनिया में हमारी एक जन्नत होती है वो हमारा घर, वो छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो या किराए का हो, मगर उसे जन्नत बनाती है एक औरत अपनी मोहब्बत से, अपनी नेक नियति से, अपने किरदार से। तो हमारा भी एक बहुत प्यारा सा घर। मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत खुशियाँ दी और मैंने अपने शौहर के साथ अपने प्यारे से घर में, अपनी प्यारी सी जन्नत में बेशुमार खुशियाँ देखी हैं। तो आइए मैं आपको वो घर दिखाती हूँ जहाँ मैं और उमर बड़े खुशियों के साथ रहे और हमें बहुत प्यार से हमने वो घर बनाया। ये है अस्करी 4 कराची, जहाँ हम रहते थे। 15-16 साल हम इस जगह पर रहे हैं। ये उल्टे हाथ पे एक बहुत खूबसूरत मस्जिद, जब उमर कराची में होते तो इस मस्जिद में अक्सर नमाज़ पढ़ने जाते थे, और एक पूरे रमज़ान तो मैंने इस मस्जिद में तरावी भी पढ़ी है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। उसके बाद यहाँ की जो ट्रैक बने हुए थे वॉक करने के, उमर को वॉक करने का शौक़ नहीं था मगर मैं वॉक करने जाती थी। और ये खूबसूरत सा पार्क, मरियम आबिद जो उमर की बेटी बनी हुई थी और मेरी बहन की वो बेटी है, मेरी नीस है, तो उसको अक्सर जब वो ज़िद करती थी उमर अंकल मुझे आपके साथ जाना, तो उसे उमर पार्क लेके जाते थे। और ये अब आ गई है हमारे घर की स्ट्रीट जहाँ हमारा प्यारा सा घर मौजूद। तो ये है हमारा घर। और जी ये है मेरे घर की एंट्रेंस जिसे मैंने एक बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। और जब हम इसके राइट साइड पे देखते हैं तो राइट साइड पे हमारा ये प्यारा सा ड्राइंग रूम जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इतनी रौनक रहती थी क्योंकि उमर जब शो करके आते थे तो उमर के साथ उनके दोस्त आते थे, और उसके अलावा भी हर हफ्ते में घर पे गैदरिंग प्रोग्राम, कुछ ना कुछ गेट टुगेदर रखती थी, डिनर चलता था पूरी रात, सब होते थे, सुबह नाश्ता करके मेरे घर से जाते थे, गाने गा रहे होते थे, उमर बहुत सब इंजॉय करते थे। Thank you.
2020 में लास्ट ये एक छोटी सी अफ्तारी मैंने अपने घर पे रखी थी, जिसमें उमर देखे माशाल्लाह कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे इसी ड्राइंग रूम में माशाल्लाह से हो रही है और सब हमारे अपने लोग बैठे हैं। और ये है हमारा डाइनिंग हॉल जो बिल्कुल किचन के सामने है। और नाश्ता वैसे उमर बेडरूम में करते थे, मगर डिनर वगैरह उमर यहीं बैठ के करते थे। और देखें ये सामने बैठ के उमर न्याज बनवा रहे हैं, सब खुद उमर अपने सामने काम करते थे माशाल्लाह। ये है हमारा खूबसूरत सा किचन। इस किचन में ही खड़ो के मैं उम्र के लिए नाश्ता, चाय, खाना सब मैं बनाती थी। एक डर्टी किचन भी है इसके साथ, जिसमें जो है हमारे हेल्पर काम करते थे, मगर इस वाले किचन में खड़ो के मैं काम कर यहाँ से अब हम ऊपर के पोर्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे बेडरूम, हमारा गेस्ट रूम और उमर की लाइब्रेरी और नमाज रूम भी हमारा यहीं मौजूद। और ये हमारी खूबसूरत सी जो है ना एक कॉरिडोर है, और यहीं से होकर हम अपने प्रे रूम में जाएंगे। ये है हमारा प्रे रूम, जहाँ पे हम नमाज़ वग़ैरह ज़्यादातर हम यहीं पढ़ते थे। फजर की नमाज़ अक्सर बेडरूम में पढ़ ली जाती थी। और ये देखें, ये अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ये उमर ख़ुद ख़रीद के लाए थे। उमर को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद थी और उमर लाते रहते थे। ये उमर की जानमाज़ बिछी हुई है, जिसमें उमर नमाज़ पढ़ते थे। तो ये बहुत प्यारा सा मेरा जो है नमाज रूम, इसकी वीडियो मैं बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और यहाँ पे जो जो चीज़ें मौजूद हैं इनके बारे में बता चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले शेयर की थी अपने घर के प्रे रूम की। ये जो हम जिस रूम में आ गए हैं, और यहाँ पे जो खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये भी सब उमर ही लेके आए हैं और उमर ने ही लगाई हैं। ये सिटिंग एरिया था, वैसे तो हमारा प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे मौजूद था उस टाइम, लेकिन ये कि हमने ये भी सिटिंग एरिया एक बनाया हुआ था कि उमर जब ऑफिस नहीं जाते थे या वो जब प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया था तो उमर यहाँ बैठ के मीटिंग्स वगैरह करते थे। यहाँ पर भी उमर की जो है बुक्स वगैरह रखी हुई थी, कराची में जो उनको कुछ शील्ड्स वगैरह मिली थी वो भी यहाँ पर रखी हुई थी। और यहाँ पर उमर के फेवरेट ड्रामे और उनके अपने ड्रामे, उनकी फेवरेट मूवीज़ की कलेक्शन वगैरह भी यहाँ सब मौजूद थी। टेबल थी और उसके ऊपर उमर ने कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था, और उमर यहाँ बैठ के अक्सर लिखा भी करते थे और मैं भी यहाँ बैठ के लिखती थी। और ये रखा उमर का प्यारा सा बैग जो हर वक्त उमर के साथ होता था। और ये रहे मेरे बादशाह, मेरा किंग। फिर कॉरिडोर से होके हम गुजरते हैं तो फिर ये हमारा टेरेस आ जाता था। यहाँ पे भी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी, जो अभी हमने यहाँ से हटाई भी है, मगर ये बहुत खूबसूरत टेरेस था। अक्सर शाम की चाय हम यहाँ बैठ के भी पीते थे। ये है मेरा खूबसूरत सा गार्डन, और उसकी जो राइट पे वॉल है इस पे पूरे पे आबशार थी, और ये गार्डन यहाँ पे भी बहुत रौनक होती थी, हम बहुत यहाँ प्रोग्राम करते थे। ये देखिए 2019 में उमर की लास्ट बर्थडे इस घर में हमने बहुत खुशियों से मनाई, और मैं सरप्राइज़ बर्थडे उमर की रखती थी। तो देखिए उमर के सारे दोस्त, सारे कुलीग सब जमा उमर तक खुश हैं सबके साथ। उम्मीद है आपको मेरा प्यारा सा घर बहुत पसंद आया होगा। और ये बस मैंने आपको भी ये घर 50% भी नहीं दिखाया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमने ये घर बनाया था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी इसका पार्ट टू मैंने शूट करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। जो उमर शरीफ के नाम पे पार्क है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और उमर के नाम पे जो अंडरपास बना है वो, और मैं उमर की आखिरी ख्वाहिश और उसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। जब तक आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।